मेरे सब स्नेही जन प्रिय संगीत रसिक मित्र आप सब हैं और श्री साजन पंडित साजन मिश्र जी मालिनी जी हमारे सच्चिदानंद जी जिन्होंने आईजीएनसीए को एक अद्भुत कला संगम का स्थल बना दिया है ये एक यात्रा स्थल बन गया है और शिवेंद्र को ऑर्डर करता है मुझे बहुत कम ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं कि वो उसमें से एक है और जी मैं बहुत ही जल्दी निपटाऊंगी क्योंकि आप दोनों संगीतकारों ने इतनी सुंदर बातें कही हैं सबसे पहले मैंने सोचा कि जो शिवेंद्र ने पॉइंट उठाया था कि जब खान शब्द आता है तो तीन खान जो हॉलीवुड के बॉलीवुड के और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद नहीं करते हैं तो ऐसे उन्होंने दो तीन उदाहरण दिए उससे मुझे याद आया कि अभी तो संगीत की बात हो रही है लेकिन गीतम बाथरूम से नृत्यम च त्रय संगीतम उच्चते तो उसमें नृत्य को जोड़ना ही चाहिए क्योंकि नृत्य में सुर भी है ताल भी है और वो थ्री डायमेंशनल है तो मधु लिमय जी ने परम मित्र थे मेरे तो एक बार हंसते हंसते कहा था और लोग भी बैठे थे कि भाई अब तो एक पुस्तक लिखी जाए मानसिंह डॉट डॉट राजा कॉमा डाकू कॉमा नर्तकी तो मेरा मेरे साथी कौन होते डाकू मानसिंह राजा मानसिंह सोनल मानसिंह मैंने अपने यानी वी ऑफ ऑल हर्ड के ये जो बाबूगिरी करना यानी लोगों को हरस करना एक जो एक पर्यायवाची शब्द बन गया था फिर आया दादागिरी करना और फिर मुन्ना भाई उसमें गांधीगिरी इन्होंने ये उठाया जो शब्द रागगिरी कमाल कर रियल ही हैज कंबाइंड इट इन अ वे कि बाकी सारे धुल गए और रागगिरी अब प्रसिद्ध हुआ शिवेंद्र राग का अर्थ मात्र संगीत में नहीं है राग शब्द का बहुत सारे अर्थ हैं लेकिन जो शब्द राग प्रेम राग होना किसी से अनुराग होना वो प्रेम इसमें झलकता है कि आपका हृदय पूर्वक अंतर मन से कितना लगाव जुड़ाव है और जो अब आपकी सांस बन चुका है तो वो इसमें झलकता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी इसमें हूँ और पंडित जसराज जी के साथ पुराने उनके बड़े भाई पंडित मणिलाल जी और इन्होंने लिखा है यहाँ पर बता ही देती हूँ कि मुझे जब 21वां वर्ष बैठा बम्बई में हम लोग थे तो पंडित मणिलाल जी को पता नहीं था लेकिन मेरी माता जी उन वक्त की ऑल इंडिया रेडियो ही था टेलीविजन वगैरह तो कुछ होता नहीं था तो वो उनमें पैडल्स में जूडी में और जो एक बोर्ड होता था प्रोफेसर हुमायूं कबीर उस वक्त आईएनबी के मिनिस्टर थे तो पंडित मणिलाल जी वगैरह काफ़ी मिलने आया करते थे ओंकारनाथ ठाकुर जी ने मेरी माता को अपनी दत्तक पुत्री माना था हमारे घर में और राजभवनों में दादाजी जहाँ थे तो संगीत और नृत्य के लगभग जलसे हुआ करते थे बड़े गुलाम अली खान साहब बम्बई के हमारे घर में सामने रहते थे और स्कूल के दिनों में याद है कि सुबह 5 बजे हम उनकी रियाज के सुर तरंगों से उठते थे तो सिद्धेश्वरी देवी मुझे हमेशा सोना बाई कहती थी एम एस सुबलक्ष्मी बहुत सारे अमीर खान साहब पंडित मणिलाल जी ने आके माता जी को कहा कि मेरा छोटा भाई अब तैयार हो गया आप एक बार सुन लें माता जी ने कहा कि ज़रूर आप आइए और ये 30 अप्रैल को मेरी बेटी का 21वां जन्मदिन है तो
तो उस दिन रखते हैं घर पे और भी सब मेहमानों को बुलाया। तो जसराज जी ने मेरी 21वीं वर्षगांठ पे उनके शुरू शुरू के जो कॉन्सर्ट थे हमारे घर पे गाया था, वो उनको मैं बार बार याद कराती थी, इसलिए कि महापंडित तो बन गए हो, याद रखना कि मेरी माँ ने सुना मेरी वर्षगांठ पे तब आप बने। हंसी बहुत हम लोग सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है रागगिरी में, सुर और ताल में जीवन को रखना, अपने पाँव को स्थिर रखना और आकाश बादलों में आपके विचार, आपकी महत्वाकांक्षाएं सारे उतार, लेकिन आपके पाँव जमीन पर, वरना उड़ना और फिर बहुत ज़्यादा उड़ान भरी तो गिरना, ये भी देखा गया है। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि आपने इतने सारे बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ जोड़ा है, और जो बातें हो चुकी हैं कि हमारी फिल्मों में संगीत किस तरीके से आता था, अभी आता है, लेकिन जब हम सुनते हैं आती क्या खंडाला, तो कष्ट होता है, क्योंकि ऐसे भी बेहूदे इस ये तो आती क्या खंडाला, तो चलो बहुत बेहूदे गाने जो आ रहे हैं सो कॉल्ड गाने। रागगिरी ने एक बहुत ये सूक्ष्म तरीके से जिहाद उठाई है, इसको मैं राग की जिहाद कहूँगी, और ये आपका जो मूवमेंट है वो बहुत आगे तक जाना चाहिए। आप बम्बई में भी इसके इसको ले जाएं और बॉलीवुड के लोगों को बुला के इसको सुनाएं और उसका विमोचन वहाँ पर भी करवाएं और ये सारी बातें वहाँ पर भी सुनी जाएं, है ना। एक छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। वैसे तो फिल्मी गानों पे हमने भी नृत्य किया है, फिल्मी नृत्य नहीं, फिल्मी गानों पे नृत्य किया है, जो आप गा रही थी मालिनी अभी, वो तो जहाँ जहाँ चलेगा आनंदी, तो हमारी नवरस में, रामायण के नवरस में सीता राम को कहती हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, भले मैं लंका में हूँ मेरा साया साथ होगा। एक तरीके से सब पतियों के लिए वो एक चेतावनी भी है। तो बस मेरा यही मेरी शुभकामना है कि सभी के जीवन सुर में चलें, ताल में चलें। राज्यसभा में बोल चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा बेसुरापन यहाँ सुनाई देता है, सबसे ज़्यादा बेतालापन यहाँ दिखाई देता है, तो अच्छा है कि हमें आप ले आए हो, तो अब थोड़ा सुर ताल में चलने की हम कोशिश करेंगे। अंत में शिवेंद्र और किरचिश जी, आपको शुभकामना तो ये है कि गाना है फिल्म का, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा।